नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में उसके राशि, नक्षत्र, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और उन चीज़ों का भी उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किस दिन व्यक्ति का जन्म हुआ है, इसका भी बहुत महत्व होता है। किस समय जन्म हुआ है, किस तिथि में जन्म हुआ है, किस पक्ष में जन्म हुआ है, ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में मायने रखती हैं। उसी श्रृंखला में हम दिनों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमने गुरुवार तक के दिनों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं और उसे काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। आज हम आपको शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों के बारे में जानकारी देंगे कि शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव, कैरियर व उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। शुक्रवार का दिन चूंकि शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी का होता है, शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक प्रदाता है, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला है, तो शुक्रवार के दिन जो जन्म लेने वाले लोग होते हैं वो ऊंचे कद काठी के होते हैं, उनका कलर फेयर होता है, आंखें उनकी आकर्षक होती हैं, बाल घुंघराले होते हैं, कंधे उनके चौड़े होते हैं, मस्तिष्क उनका बड़ा होता है, और ऐसे लोग भौतिक सुख सुविधाओं से लैस होते हैं। ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छा खाना खाना, महंगी से महंगी होटल में ठहरना, हवाई जहाज इत्यादि में यात्रा करना, या ट्रेन में सफ़र करना है तो एसी में सफ़र करना, इन सब चीज़ों को ये ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि ये लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। कपड़े भी पहनते हैं तो ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम आदि के लोग बड़े शौकीन होते हैं। इनके इसी व्यक्तित्व के कारण अपोजिट सेक्स इनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। इनमें काम शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत काम शक्ति इनके अंदर तीव्र होती है, इसलिए इनके संबंध एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ में होते हैं। ये खुले विचारों के होते हैं, इनके मित्र बहुत होते हैं, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर बहुत खर्च करते हैं, इसलिए इनके आसपास चापलूस लोग ज़्यादा आ जाते हैं। इनमें एक बुराई होती है कि ये दूसरों की उन्नति इन्हें पसंद नहीं आती, और कोई यदि इनके सामने दूसरे की तारीफ़ करे तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अपनी तारीफ़ के अलावा दूसरों की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते। इनका वैवाहिक जीवन तो अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ में इनका अन्य लोगों से भी, अन्य स्त्रियों से भी इनके संबंध बने रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इन्हें सर्दी जुकाम बड़ा जल्दी पकड़ लेता है, और वृद्धावस्था में इन्हें घुटनों में दर्द होने की संभावना बनी रहती है। कैरियर के मामले में ये लोग अभिनय क्षेत्र में, संगीत में, नृत्य में या श्रृंगार आदि क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा सफल पाए जाते हैं, क्योंकि स्वयं श्रृंगार के बड़े शौकीन होते हैं। कॉस्मेटिक आदि जो कंपनियाँ रहती हैं उनमें ये सेल्समैन के पद पर कार्यरत हों तो ज़्यादा सफलता इन्हें मिलती है। अभिनय के क्षेत्र में ये लोग बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। उपाय के तौर पर इन्हें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, उस दिन इन्हें कन्याओं का भोजन कराना चाहिए और इन्हें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय को इन्हें
हरी घास खिलाना चाहिए। यदि ये उपाय करते हैं तो इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, आज हमने आपको शुक्रवार को जन्म लेने वाले जातकों के स्वभाव, कैरियर व उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ दी। आशा है आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। और यदि आपका शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है तो आप इस वीडियो को सुनें और देखें कि जो हमने बातें बताई हैं वो आपके जीवन में वैसी घटती हैं या नहीं घटती हैं। निश्चित रूप से वैसे ही आपका व्यक्तित्व तो होगा। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहें। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर इसी प्रकार बनी रहे, यही हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। एक बात हम बताएं मित्रों, एक दो लोगों ने हमें कमेंट्स किया कि गुरुजी जब आप बातचीत करते हैं तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी की बात का याद आता है, जैसे वो रुक रुक करके बोलते हैं वैसे ही आप बोलते हैं। तो मित्रों, एक चीज़ हम आपको बता दें कि उम्र के साथ साथ में व्यक्ति के अंदर एक मैच्योरिटी आना ज़रूरी होती है। जब युवावस्था का कोई व्यक्ति, कोई पंडित कोई बात बताता है तो उसके बताने का तरीका अलग होता है। वो बहुत उत्साह के साथ में, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके और बहुत उससे बोलता है, और वैसे बोल करके वो लोगों को आकर्षित करना चाहता है। लेकिन उम्र के साथ साथ में व्यक्ति के अंदर एक अनुभव भी आता है और अपनी उम्र की गरिमा के आधार पर ही उसे सारी चीज़ें करना चाहिए। तो हम जिस उम्र के पड़ाव पर हैं उसमें इस प्रकार की हरकतें करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। इसलिए जहाँ तक बन सकता है शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब बोलते हैं तो शब्दों का चयन भी करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। दूसरा हमारा ये रहता है कि जब हमारे मन में यदि कोई चीज़ विचार आ जाता है कि हमें ये वीडियो बनाना है तो हम वीडियो बनाना चालू कर देते, उसके पहले हम किसी प्रकार का कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें जल्दी जल्दी बोलने की आदत हो जाती है, लेकिन चूंकि हम किसी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं करते, जो हमारे दिमाग में आता है वो हम बोलते जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा, अच्छा लगा आप लोगों ने इस प्रकार से हमें कहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसी प्रकार अपना स्नेह प्यार रखें, हमारे वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को वायरल करने की ज़रूर कोशिश करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।